अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। और नाज़रीन कैसे, मैं उम्मीद करता हूँ वह खैरियत से होंगे, अल्लाह के फजल और रहमत में होंगे। नाज़रीन आप देख रहे हैं अब्दुल गनी कादरी यूट्यूब चैनल की वीडियो, और आज हम लेकर आए हैं हज़रत मुफ्ती सलमान अज़ीज़ साहब का बयान। ठीक है, बहुत अच्छा बयान है और आप और हम लास्ट तक सुनेंगे, और उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जो आजकल का ये माहौल बना हुआ है, हमारे लोग कुछ डरते रहते हैं, ठीक है, दाढ़ी रखने से या टोपी लगाने से बहुत सारे लोग डरते हैं, ठीक है ना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम होकर के लेकिन डरते हैं, तो इसका वजह कुछ और होती हैं, जो हमारे ईमान होते हैं वो पुख्ता नहीं होते हैं। तो इस कारण से हजरत का बयान है, ठीक है ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने एक बार यहूदियों के साथ क्या किया है, ठीक है, जो बहुत सारे यहूदी थे और यहूदियों के सामने डट गया, ठीक है, वो तो आगे आप पूरा बयान सुनिएगा जब आपको पता चलेगा। लेकिन ऐसा ही हमारे पास कुछ थोड़ा भी या उसके सदक़े में एक ज़रा बराबर हमको ईमान मिल जाए, और ये बयान हमको मोटिवेशन करने वाला और जो हमारी तारीख रही है, ठीक, उसकी याद दिलाते हैं। आइए और आप और हम बयान सुनते हैं हजरत का। अजब चीज़ है लज्जत आशनाई, जिसे हुजूर की आशनाई मिली हो, नबी पाक की मोहब्बत मिली हो, उसे फिर दुनिया की कोई परवाह ही नहीं होती। कौन क्या कह रहा है, उसके साथ कैसे हालात हैं, वो कभी नहीं देखता, बल्कि उसका हाल तो ये है, जिस तरफ मेरे सरकार का गुलाम चल पड़ता है, जमाना उसी तरफ चल पड़ता है। पता है सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो अजीम सहाबी रसूल, 50,000 का मजमा यहूदियों का है, यहूदी आलिम खड़े होकर बयान कर रहा है, खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा था कुरान की एक आयत का मजाक उड़ा करके, कह रहा था कुरान में इनके खुदा ने कहा है कि खुदा फकीर है और ये मुसलमान गनी है, कर्ज दे दो। अल्लाह ने कर्ज हसन की जो बात फरमाई कुरान में, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। कर्ज हसन का मतलब माल नहीं, तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, बदले में मौला जन्नत अता करेगा। मगर इस आयत का मजाक उड़ा रहा था यहूदी और कह रहा था कि इनका खुदा गरीब है और ये मुसलमान अमीर है, गनी है। सिद्दीक अकबर तन्हा है, बर्दाश्त नहीं हो सका, चढ़ गए स्टेज पर और पकड़ा उसका जामा और दो थप्पड़ रसीद कर दी। मजमा उनका है, स्पीकर उनका है, बयान करने वाले उनके हैं। सिद्दीक अकबर ने इधर भी नहीं देखा, उधर भी नहीं देखा, जड़ दिया तमाचा। यही कहते हैं अजब चीज है लज्जत आशनाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अब होना क्या था, पकड़ो दकड़ो मारो तोड़ो, लेकिन सिद्दीक अकबर को इसकी परवाह नहीं थी। जो तमाचा लगाना था वो पड़ गया है, जिसको जवाब देना था जवाब दे दिया है। उसके बाद उसी यहूदी आलिम ने कहा रुको, इसको यहाँ सजा ना दो, इनको लेके चलते इनके रसूल के पास, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। सारा मजमा उनका है, अखबार भी उनके, गवाह भी उनके, मेरे अजीज सारी चीजें उनके हाथ जैसे है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी दज्जाली मीडिया, जो चाहे फैला दे। यहूदी सारे आए हुजूर के पास आकर कहने लगे आपका ये सहाबी हमारे यहाँ बड़ी बदतमीजी किया है। कहा क्या किया, हमारे आलिम बयान कर रहे थे खुदा आपका गनी है, आप फकीर हैं, उलट दिया चूल्हे को। यहूदी कह रहे हैं हमारा आलिम आपके खुदा की शान बयान कर रहा था, अल्लाह गनी है और मुसलमान फकीर हैं। इस बात पर अबू बकर ने तमाचा लगा दिया। हुजूर पाक ने पूछा है अबू बकर क्या इस बात पर तुमने तमाचा लगाया, आपने कहा नहीं या रसूल अल्लाह ये झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त ये गुस्ताखी कर रहे थे और कह रहे थे कि खुदा गरीब है, इनका फकीर है और मुसलमान गनी है, खुदा कर्जा मांगता है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास कोई गवाह है, हजरत अबू बकर के पास कोई गवाह नहीं था, तन्हा थे और यहूदी सब के सब झूठे और सब झूठ पर जमा है। एक नहीं दसियों यहूदी कह रहे हैं नहीं हमारा आलिम सच बोल रहा है, हमारा आलिम सच बोल रहा है। एक बात याद रखो है मुसलमानों, इन तमाम चीजों से अपने जहन को साफ कर लो, झूठ पर सारी दुनिया जमा हो जाए तब भी तुम उस पर कान न धरना, एक वक्त आएगा जो अल्लाह की मदद आएगी। हुआ क्या, डटे रहना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक तन्हा है, आपने सर झुका लिया, कहा या रसूल अल्लाह मेरी इस बात का तो कोई गवाह नहीं वहां पर, लेकिन ये झूठ बोल रहा था, ये झूठ बोल रहा है अभी। अब सिद्दीक अकबर की तन्हा वहां मौजूदगी, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गजबनाक हो जाते, नहीं। रिवायात बताती हैं वही के उतरने के आसार नजर आने लगे। जिब्राइल अमीन आयत लेकर के आए, लकद समिअ अल्लाहु क़ौला अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ए महबूब, अल्लाह ने सुन लिया है ये यहूदी क्या कह रहे थे, ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं, सिद्दीक अकबर ने जो कहा है वो सच था। अब मुझे बताओ मेरे अजीजो, ये सारे मजमे की परवाह न करते हुए हक के लिए खड़े होने का नाम सिद्दीक अकबर हुआ करता,
वो सिद्दीक की सदाकत रजी अल्लाह तआला आज तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाएं, परवाह न करना। अगर तुम्हारे सीनों में इश्क मुस्तफा की शमा रोशन है, तन्हा भी हो अल्लाह की मदद आएगी, बेशक बेशक अल्लाह की मदद आएगी। बज़ाहिर हालात खराब हैं, बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ दिखते हैं, आज यही हालात दोहराए जा रहे हैं। मैं थोड़ी और मिसालें आपके सामने रखता हूँ। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो दुनिया की मुसीबतों को ठोकर में रखता है। आपको पता है वो एक खातून जो ओहद के मैदान की तरफ भागने जा रही थी और आने वाले जंग से, जंग खत्म होने के बाद आने वालों ने उस खातून से कहा, ए बीबी तुझे पता है तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए, उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और फिर आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत के लिए ये रिश्ते बड़े अहम होते हैं, बेटा हो, भाई हो, शोहर हो, और औरतों में सबर कम देखने को मिलता है। जब किसी के घर में मैयत होती है सबसे ज्यादा चीखो पुकार औरतों की होती है, नोहा करना, मातम करना औरतों के अंदर आता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस खातून के दिल में हो उसे आम औरतों से कंपेयर ना करो। एक ही तनहा औरत है, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद। चार चार मौतों की खबरें जब उनको दी गई, उस खातून ने कहा आने वालों सारे मेरे रिश्तेदारों के मौत की खबरें सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है या नहीं, आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं। उस खातून ने कहा मुझे दिखा तो दो, अरूनी मैं मुझे दिखाओ कहाँ है। ले जाकर करीब किया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल फैलाती है और कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन। ऐ अल्लाह के रसूल अगर आप सलामत है हर मुसीबत छोटी है, वाह वाह, हर मुसीबत छोटी है। उनका ही ये नारा था, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार कह दो कि तू हमारा। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर। अपने परिवार की फिक्र नहीं की, ठीक है ना, अपने जो परिवार में क्या क्या चल गए उनकी फिक्र नहीं की, और नबी पाक की कितनी फिक्र की। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसको ये लज्जत मिलती है मोहब्बत मुस्तफा की, फिर वो मुसीबतें गिनता नहीं है, वो अपने ऊपर आने वाली आफतों को गिनता नहीं है, उसके लिए दुनिया हेच है। अजीजा नगरामी वकार, आपको पता है वो सहाबा इकराम रिद्वानुल्लाह ताला अलैहि मजमाईन जिनकी जिंदगियां, जवानी की जिंदगियां बड़ी अजीज होती, हर आदमी जवानी में ऐश करता है, मगर मदीने के उन जवानों को हमने देखा है। आज शादी हुई, आज दुल्हन को घर लाया है, दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात में मसरूफ है, लेकिन जंग का बिगल बज गया, बाहर मदीने में आवाज आने लगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ओहद के मैदान की तरफ निकल पड़े हैं। ये आज का दूल्हा अपनी दुल्हन को बिस्तर पर छोड़कर निकल पड़ता है और जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शरीक हुआ। जानते हो वो खातून भी ऐसी नहीं थी कि पैर पकड़ ले, कहां सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, मेरा कौन होगा इसके बाद, नहीं, खातून ने कहा जाओ अल्लाह हाफिज, अगर सलामती के साथ आ गए फखर से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तब भी फखर करूंगी कि शहीद की बेवा हूं। रसूल पाक के मुआशरे के उन मिसालों को तुम्हारे सामने रख रहा हूँ जिन्होंने लज्जत आशनाई पा ली थी, हुजूर की मोहब्बत का मजा ले लिया था। वो सहाबी रसूल जवान दूल्हा मैदान जंग में शरीक हो गया, लेकिन खमासान की जंग में शहीद भी हो गया। एक रात का दूल्हा शहीद हुआ है जिसको अल्लाह के फरिश्तों ने गुसल दिया था, हजरत हंजला गुसैलुल मलाइका। और आपको पता है एक नौजवान जो काले रंग के थे, हजरत अब्दुल्ला अस्वद उनको कहा जाता है, हुजूर के पास आए, कहा शादी करना है, शादी करना है, उम्र हो गई है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ है मेहर देने के लिए, कुछ पैमाल है, कहा कुछ है नहीं, कहा मेहर के लिए पैसे ले आओ, शादी करा दी जाए। और उसके बाद उन्होंने इधर उधर किया, फिर हुजूर ने ही उनके लिए माल जमा करने का इंतजाम किया हजरत उस्मान गनी के जरिए से, उनको माल दिया गया, पैसा दिया गया, कहा जाओ घर को बना लो, सामान ले आओ और मेहर के पैसे जुटा लो, शादी का सामान खरीदो, मदीने की अंसार की किसी बेटी से तुम्हारा निकाह हो जाएगा। वो नौजवान अब्दुल्ला अस्वद गरीब सहाबी और काले रंग के थे, उन्होंने शादी का सामान खरीदने के लिए माल तो जुटा लिया, बाजार में थे, ऐलान हो गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग में तशरीफ ले जा रहे हैं, अचानक मुशरिकीन का हमला हुआ है। ये जो नौजवान है शादी का सामान खरीदने गया था, जाकर घोड़ा खरीद लेता है और हथियार खरीद लेता है, और उसके बाद जो जिरह हुआ करती थी लोहे की टोपी, लोहे का लिबास सब खरीद लिया,
और जितना मन था जो कभी नहीं पहना था वो सारे हथियार खरीद लिए और सज संवर कर घोड़े पर बैठ कर के आ गया। जब मैदान जंग में सफे लग रही थी शरीक हो गए। इनको तो गरीब सहाबा में शुमार किया जाता था। इनके पास कभी कोई हथियार नहीं था, न कोई तलवार, न कोई टोपी, न कोई घोड़ा। सहाबा उनकी तरफ देख कर समझते हैं कोई बड़ा पहलवान होगा हम में से जिसको हम नहीं जानते। लेकिन जब जंग में वो अड़ गया था, बड़े बड़े शेरों के पैर उखड़ने लग गए थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइन दोपहर के वक्त सहाबा से पूछा, कौन है ये जो लड़ रहा है? ये बथले जलील कौन है? ये चेहरा भी छुपा हुआ है, पूरी लोहे की टोपी पहना हुआ है, पूरा जिस्म भी छुपा हुआ है, कीमती लिबास है इसके ऊपर। सहाबा इधर से उधर से देख रहे हैं, कहा हम में से तो नहीं है ये, कोई बाहर से आया हुआ लगता है। हुजूर मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरा अब्दुल्ला अस्वद है जिसको शादी के पैसे दिए थे, जाकर इसने जंग का सामान खरीद लिया है। और हुजूर पाक देखकर मुस्कुराने लगे। शाम से पहले उसी अब्दुल्ला अस्वद की शहादत भी हो गई, वो शहीद हो गए मैदान जंग में। जानते हो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद चलकर तशरीफ लाए और उनके सर से जिरा उतारी, टोपी उतारी, खुद को उतारा और अपनी गोद में उनका सर रखा, उनके चेहरे से मिट्टी को साफ किया। सहाबा कहते हैं, इस किस्मत पर कुर्बान जाए, हुजूर की गोद में उनका सर देख करके हमें रश्क होने लगा। फिर हुजूर फरमाते हैं, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकू मा अहदुल्लाह अलैह, मोमिनीन में से कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से किया हुआ वादा पूरा कर दिया है। मेरे अजीजों, ये कट गए, खत्म हो गए, अपने आप को फना कर दिया। कौन सी चीज थी जो इन्हें मैदान में ले आती थी? कौन सी चीज थी जो इन्हें बिस्तर से उठा लाती थी? कौन सी चीज थी जो बाजार में शादी के सामान खरीदने से बदलकर वो हथियार खरीदने पर आ जाए? अरे जंग में जाना कोई क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान नहीं है, हथेली जान, हथेली में जान लेकर के जाना है। अच्छे अच्छों के हालात खराब हो जाते हैं, एक डंडा देख ले। लेकिन वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसे निकल पड़ते थे जैसे लगता है रोज का काम है। ये कौन सी चीज है जो उन्हें लाती थी? वही इकबाल कहता है, अजब चीज है लज्जत आशनाई, लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। बद्र के मैदान में हुजूर जा रहे थे, एक घर में रात को लड़ाई चल रही है। किसके दरमियान? बाप और बेटे के दरमियान। बाप बूढ़े हो गए हैं, बेटा लड़ रहा है। अब्बा आप नहीं जाएंगे, आप घर में रहेंगे, मैं जाऊंगा। बाप कहते हैं, नहीं बेटा तू घर संभाल, मैं जाता हूं, मेरी उम्र हो गई है, मैं जाऊंगा हुजूर के साथ। तकरार इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कुरानंदाजी की, चिट्टी डालेंगे जिसका नाम निकलेगा वो जाएगा। कुरानंदाजी हुई तीन बार भी हुई तो बेटे का ही नाम निकला। बाप ने कहा, मुझे नहीं चाहिए ये तेरी कुरानंदाजी, मैं हुजूर के पास ले चलता, मैं हुजूर के पास जाऊंगा। अजब चीज है लज्जत आशनाई, हुजूर के साथ जाने का जज्बा कैसा था। अरे वो कुरानंदाजी कर रहे हैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए। कोई मिठाई की तकसीम नहीं हो रही थी कि जाकर के मिठाई एक लड्डू ले आएंगे, वो जंग के मैदान में जाने के लिए कुरानंदाजी कर रहे हैं। बाप बेटे की तकरार, फिर आए बारगाह मुस्तफा में, दोनों ने दलीलें रखी। बाप ने कहा, ये जवान है घर संभालेगा, मुझे आपके साथ जाने की इजाजत दीजिए। बेटे ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैदान जंग जवानों से ज्यादा भरपूर होना चाहिए, ताकत का ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेरे बाप को आप कहें घर पर देखें, यहाँ के हालात वो संभाले, मैं आपके साथ चलूंगा। हुजूर पाक ने जवान की बात सुन ली और बूढ़े सहाबी से कहा, आप घर पर रहें, आपका जवान जाएगा। इतना जुमला कहना था, चीख निकली उनकी, भाड़े मारकर रोने लगे, कहा, हाय अफसोस, इस बुढ़ापे पर दुख है मुझे, इस बुढ़ापे ने मुझे नबी से दूर कर दिया। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। वो बूढ़े हो जाते तब भी ये सोचते कि हुजूर के साथ जाने का मौका मिले। एक खातून आई, मैं ये सब मिसालें रखता हूं ऐ नौजवानों, फिर तुमसे पूछता हूं, क्या लज्जत आशनाई तुम्हें भी मिली है? हुजूर की बारगाह में अपने आप को फिदा करना या अपनी दुनिया को ठोकर मारने का जज्बा कभी आया है? एक खातून हुजूर के दरबार में आई, जब हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी मैदान की तरफ जा रहे थे, वो भी जंग का हाल था, कई जंगें लड़ी गई। एक खातून आई 1.5 साल का बच्चा लेकर, कहा, या रसूल अल्लाह, मदीने की सारी माएं अपने जवान लड़के भेज रही थी, मेरे घर में कोई नहीं था, 1.5 साल का बच्चा, मैं इसको ले आई हूं, इसको कबूल करें। तो बच्चों, माँ का कलेजा कैसा होता है, माँ की ममता, 1.5 साल के बच्चे को लेकर आई, कहा, इसको कबूल कर ले। हुजूर ने पूछा, इसका क्या करेंगे? वो खातून कहती है, या रसूल अल्लाह, मेरे शोहर शहीद हो गए और मेरे पास सिवाय इस बेटे के कोई नहीं। हाँ, मुझे अंदाजा है मेरा बेटा चल फिर नहीं सकता, तीर तलवार नहीं उठा सकता, ये
یہ جنگ میں جانے کے قابل نہیں لیکن میں اس حصے سے محروم نہیں ہونا چاہتی جو مدینے کی ہر ماں لے رہی ہے بس یا رسول اللہ میرے بیٹے کو آپ کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دیں جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے اللہ اکبر میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی عجب چیز ہے لذت آشنائی جسے یہ آشنائی کی لذت ملی ہے اس نے مصطفیٰ کریم کے قدموں میں بچے بھی وار دیے سب لٹا دیا ہے ان کے لیے مال کی کوئی اہمیت نہیں تھی آپ کو پتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس وقت عبادت میں مصروف تھے اچانک حضور کریم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر جیسی آئے دروازہ کھلا حضور سیدھے ایک کمرے کی طرف گئے وہاں ایک صندوق رکھا تھا اور اس میں کچھ مال تھا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صندوق سے مال کو اٹھایا حضرت ابو بکر صدیق مسکرائے اور کہا شکرن للہ اے اللہ تیرا شکر ہے حضور پاک نے ان کے مال کو جیسی اٹھایا کہتے ہیں میں ابھی اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا یہی کر رہا تھا اے مولا بس تو اتنا کرم کر دے تیرا رسول میرا پورا مال اپنا سمجھا کرے اپنا سمجھ لے وہ اپنے آپ کو سب لٹا دیتے پھر کہتے میرے عزیزو عجب چیز ہے لذت آشنائی جسے یہ مل گئی ہر مصیبت اسے چھوٹی لگتی ہے ہر مصیبت ہلکی لگتی ہے جی ناظرین آپ نے پورا بیان سنا مفتی سلمان ادری صاحب کا اور اتنا بیان یہ تھا جو لوگوں کو موٹیویشن کرنے کے لیے جو لوگ کچھ دبے لچے اس ٹائم میں ہیں ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا جو چاہے گا اللہ وہی ہوگا ٹھیک ہے تو اس بارے میں بہت اچھا بیان تھا آپ نے لاسٹ تک سنا جس کو نبی کی ٹھیک ہے محبت کی آشنائی مل گئی ٹھیک ہے اس کا بیڑا ہی پار ہو گیا ٹھیک ہے لوگوں کو کبھی ڈرنا نہیں ہے ٹھیک ہے جو کفر کی آندیاں آتی ہے اس سے ڈرنا نہیں ہے ٹھیک ہے ڈٹ کے رہنا ہے اور ہم کو زیادہ سے زیادہ ایمان پر رہنا ہے اور اللہ کی عبادت کرنا ہے اور نبی سے محبت کرنا ہے یہی ہمارا تقاضا ہے اور اس سے ہم ٹھیک ہے اس دنیا پر چلیں گے اور پھیلیں گے اگر یہ چیزیں ہم بھول گئے تو ہم بالکل ہمارے ساتھ وہ اثر ہوگا بہت غلط اثر ہوگا ٹھیک ہے بہت ملکم ہو رہا ہے اور ہمارا اس وقت میں کوئی قائد نہیں ہے ٹھیک ہے جو کوئی ہمارا قائد نہیں ہے بالکل ہم صرف اکیلے ہیں اور مومن کی وہی دعا ہوتی ہیں جو مومن کا اصلی اور لاسٹ ہتھیار جو ہوتا ہے وہ دعا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم کے پاس دعا ہے اور دعا کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے اور یہ مہینہ چل رہا ہے رمضان شریف کا اور اس میں اپنے آپ کی مغفرت کی دعا کروائیجیے گا ٹھیک ہے ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں